बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पालक गोश्त की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई गई है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगी और जल्दी भी तैयार हो जाती है। व्यूअर्स ये मैंने गोश्त लिया है, बीफ का गोश्त है। ये मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, ये देखें, ये मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। गोश्त की बोटियां ऐसी बना लेनी है आपने। और मैंने ये 3 पाव पालक लिया था, इसको मैंने बॉईल करके, इसको मैंने धो के काट लिया था, उसके बाद मैंने बॉईल करके इसको मैश करके रख लिया। ये मैंने 2 दरमियाने साइज के टमाटर लिए हैं। ये मैंने 3 प्याज लिए हैं दरमियाने साइज की। आधा कप ऑयल लिया है। ये मैंने नमक लिया है हसबे जायका। ये मैंने लाल पीसी मिर्च ली है, ये 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर लिया है, ये 1/2 टेबल स्पून। और ये मैंने पिसा गरम मसाला लिया है, और ये लिया मैंने 1 टीस्पून लिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। अब फिर व्यूअर्स शुरू करते हैं। ये मैंने गोश्त डाल लिया है, इसमें मैं प्याज शामिल करूंगी, टमाटर डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया, ऑयल भी डाल दिया। और भी बस सिर्फ गरम मसाला पाउडर छोड़कर ये मैं 3 चीजें इसमें डाल दूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स करके इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा दूंगी, जब तक गोश्त ना गल जाए। इसको मैं कवर करके चढ़ा दूंगी। ये गोश्त गल चुके, अब मैं इसका पानी खुश करूंगी। पानी खुश करने के दौरान प्याज भी हमारे इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, प्याज टमाटर। उसके बाद फिर मैं जो पालक जो रखा है मैंने, वो पालक इसके अंदर डालूंगी। इसको मैं भून लेती हूँ आंच तेज करके। सब इसके अंदर मैं पालक डाल देती हूँ। अब पालक डाल के भुनाई करूंगी। और ये मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है। आपके पास अगर हरी वाली है मेथी तो आप वो डालें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट अच्छा आ जाता है। मर्जी है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी अगर आप नहीं चाहे तो मत डालें, लेकिन इससे फ्लेवर अच्छा। थोड़ी बहुत जो ये प्याज में कसा रह गई तो ये जब मैं इसको भूनूंगी तो उसके साथ साथ ये प्याज भी भून जाएगी। अब मैं इसको भूनती रहूंगी। ये जो गरम मसाला पाउडर है ये भी डाल दूंगी। अब इसकी हमने अच्छे से भुनाई करना, जब ऑयल ना छोड़ दे गोश्त। ये देखिए अभी हमारा गोश्त भी भून चुका है, और ये पालक भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अभी ऑयल छोड़ने लग गया, इसमें मैं ये 2-4 हरी मिर्चें ये डाल दूंगी। ये ऑयल भी छोड़ने लग गया। अब इसको मैं 2-3 मिनट ऐसे रखूंगी ताकि थोड़ी बहुत जो ऑयल रह गई वो भी आ जाए।
गया। देखिए व्यूअर्स, अब ये तेल भी आ गया इसमें। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये तैयार हो चुका है, ये देखिए कितनी प्यारी शक्ल आई है, टेस्टी भी बहुत होगा। आप इसको घर में ट्राई ज़रूर करिएगा और अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। इसको आप रोटी से खाएं, चावल से भी खाएं, चावल से भी अच्छी लगेगी। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है इसमें से। आप खाएं, अपने घर वालों को पका कर खिलाएं, घर वाले ज़रूर आपको दाद देंगे। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।